ने कहा कि कोई गड़बड़ करे तो उसको ये बात याद दिला देना तो मैं आपके लिए एक श्लोक बोलता हूं जो संस्कृत में ऋषियों ने लिखा है पोएट्स ने लिखा है अभिवादनशील नित्य वृद्धोप से चुरी तस्वर्धन आयुर्विद्या तपो बलम जो अभिवादनशील है जो भी आदमी अपने से बड़े का आदर करता है उसको नमस्कार करता है अपने से छोटे से प्यार करता है और जो बुज़ुर्ग हैं वृद्ध हैं जिनका एक्सपीरियंस है जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस को बेकार नहीं खोया अपनी ऐज के साथ साथ अपने गुण कुछ न कुछ बढ़ाते रहे हैं उन लोगों का जो आदमी सेवा करता है उनके लिए जो साधुवाद देता है उसकी चार चीज़ें बढ़ती हैं कौन कौन सी आयु और आयु के साथ हेल्थ शामिल है क्योंकि हेल्थ के बिना आयु का कोई मतलब नहीं आयु विद्या उनकी विद्या बढ़ती है दे ग्रो इन नॉलेज तपो इन तप इन द डिसिप्लिन ऑफ लाइफ एंड इन द स्ट्रेंथ ऑफ लाइफ एंड बलम आयुर्विद्या तपो बलम ये उनके बढ़ते हैं बिकॉज अब ये छोटा बच्चा है आप इसको कहीं मेले में ले जाएंगे और ये आपके कंधे पे बैठेगा तो इसको आप जितनी दूर देख सकते हैं उससे ज़्यादा दूर की चीज़ें दिखाई देंगी तो जब हम अपनी पहली जनरेशन के वन वी वन वी सीट आवर सेल्व्स ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द अर्लियर जनरेशन्स we सी farther than द अर्लियर generations एंड द नेक्स्ट जनरेशन दैट कम आफ्टर अस दे विल सी फारद देन आवर सेल्व तो यज्ञ तो बड़े छोटे का मिल के भी होता है बराबर वालों का भी मिल के होता है सारे समाज का मिल के होता है एक उसमें फिर स्मृति आती है अब ये जो स्मृति है ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की दुश्मन भी हो सकती है और उसकी दोस्त भी हो सकती है क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष बड़ी सीधी भाषा है कि मन ही कारण है आपके बंधन का भी कारण है और आपके मोक्ष का भी कारण है देखिए वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है ये हम कहते हैं मानते हैं इस बात को और वेद के शब्द जो हैं वो फॉर्मूला टाइप होते हैं जो एक शब्द है उसके ऊपर लोग रिसर्च करते रहते हैं जैसे एक वेद मंत्र आता है कि हे त्वष्टा हे रथकार फॉर्म्स को बनाने वाले लॉर्ड दैट मेकअप फॉर्म्स ऑफ लाइफ एक ऐसा रथ बनाओ मेक ए चैरियट फॉर अस विच इज साउंड कंट्रोल्ड पता नहीं कहां चलेगा यहां बैठे बैठे आप साउंड से उसको कंट्रोल कर लेंगे इससे भी आगे चलता है वेद वो कहता है मेक मी ए चैरियट विच इज थॉट कंट्रोल्ड आप बोलेंगे भी नहीं आपका थॉट आ गया एंड इट गोज लोग कहते हैं ये था पहले ये था या नहीं था ये सवाल नहीं है ये प्योर नॉलेज है अगर नहीं था तो मालूम करो कैसे खोया गया और अगर नहीं था तो रिसर्च करो ये बन सकता है ये विचार वेद देता है वेद दो शब्द बोलता है कर्म कुरु कर्म कर एक मंत्र है इसके ऊपर पूरा कुरुन्य वेह कर्माणी जिजे शतम समाह एवं तो ई नान्य थे तो अस्ती न कर्म नरे कर्म ऐसे ढंग से कर कि तू लिपट न जाए उसके अंदर तू उसके अंदर बंध न जाए योग दर्शन कहता है कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस त्रिविधम इतने श्याम जो योगी होता है जैसे गीता में भगवान कृष्ण करते हैं कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणी योगस्थ होके योग अवस्था में कर्म कर क्योंकि ऐसा नहीं करेगा तो बंध जाएगा यू विल बी बाउंड कर्म करना हमारा धर्म है ये देर इज एन अर्ज विद इन द जीव जीव के अंदर एक अर्ज होती है कि मैं कुछ करूं भगवान के अंदर भी अर्ज होती है उसके अंदर भी सृष्टि पैदा बनाने की अर्ज होती है वो कहता है एको अहम हम मैं एक हूं बहुश्याम मैं तो बहुत होना चाहता हूँ और ये जितने आप और मैं हम सब बैठे हैं यहाँ पे ये सब के सब किसी न किसी फॉर्म में उसका रूप है उसकी डेफिनेशन है किसी न किसी रूप में क्योंकि वो हम सब के अंदर है और हम अगर हैं हमारे अंदर वो है तो वो कहीं न कहीं तो रिफ्लेक्ट करेगा हमारे कर्म के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा इट विल रिफ्लेक्ट इन अवर थॉट्स इट विल रिफ्लेक्ट इन वट एवर वी डू वट एवर वी थिंक वट एवर वी विश वट वी फील तो ये जो सारे हमारे कर्म हैं इनको फिर पोएट्स लेते हैं ये जो एक मंत्र है इसको पोइट्स ने लिया पोएट्स क्या करते हैं कि एक जो छोटी सी बात होती है उसके ऊपर वो एक कहानी खड़ी कर देते हैं एक पूरा नाटक खड़ा कर देते हैं और महाभारत के अंदर सात श्लोक की गीता को खड़ा कर दिया पोइट ने तो गीता के अंदर क्या होता है जो कर्म करना चाहिए था अर्जुन को वो करना भूल गया वो वो भूल गया अभी जो डेविड फ्रॉले यहाँ आए थे उनकी किताब थी शायद आपने देखी होगी कईयों ने बहुत अच्छी किताब है वो मैंने खरीदी और मैंने पढ़ी वो उसका टाइटल है अराइज अर्जुना अराइज अर्जुन ही सेज आई हैड टू राइट दिस बुक Because when I looked at India during his travels, you know, in the country, he realized that just as Arjun had forgotten his cause when he stood in the midst of the two armies, he forgot his cause. So he says, India has forgotten its cause. Therefore, he had to write this book A person sitting in America feeling stricken. एफ्लिक्टेड एट द कॉज विच इंडिया इट सेल्फ एज फॉर भूल गया तो स्मृति एक ऐसी चीज है मेमोरी स्मृति ऐसी चीज़ है जिसको आप अच्छी तरह से याद रखोगे तो आगे बढ़ोगे और बुरी तरह से अगर याद रखोगे तो नहीं बढ़ पाओगे हमारे गांव के पास एक गांव है उसमें और ये मैं बात आपको तीस बरस पुरानी बता रहा हूँ उस गांव में एक मर्डर हो गया सो वन फैमिली यू नो इट ए ट्राइब वन फैमिली मर्डर्ड ए पर्सन फ्रॉम अनदर फैमिली अनदर क्लैन एंड दे वॉन्टेड टू टेक रिवेंज फॉर थर्टी फाइव ईयर्स दे केप्ट दैट रिवेंज इन देयर माइंड एंड आफ्टर थर्टी फाइव ईयर्स दे मर्डर्ड ए पर्सन फ्रॉम द फैमिली फ्रॉम द मर्डर फैमिली और क्या गलती हुई उसमें यू you नो know, क्योंकि उनका दिमाग घूमा हुआ था दे मर्डर्ड द रोंग मैन सो अनदर साइकिल ऑफ रिवेंज दिस इज हाउ इट गोज तो गीता में जो एक पोएम बनाई गई महाभारत एक पूरा ग्रंथ बना दिया गया वो एक ही चीज है सत्यम वद धर्मम चर कर्म कुरु कर्म कर इसी एक एक फॉर्मूले के ऊपर ये पूरा महाभारत का ग्रंथ लिख दिया गया आइंस्टाइन ने 1935 में कहा E इज इक्वल टू एम सी स्क्वा और पूरी एक टीम साइंटिस्ट्स की उसके ऊपर लगी हुई है कि ये जो एक मंत्र उसने दे दिया और वो मंत्र उसने लेबोरेटरी में नहीं बनाया जिसको योग दर्शन में विचार समाधि कहा गया है ये उसकी विचार समाधि का रिजल्ट था क्योंकि योग दर्शन में कहा है वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमात संप्रज्ञात संप्रज्ञात समाधि जो होती है वो इन चार मीडियम से होती है वितर्क विचार आनंद अस्मिता और योग दर्शन एक और बात भी कहता है जब आप वितर्क स्थूल सब्जेक्ट्स पे मोटे सब्जेक्ट्स पे मिसाल के तौर पे हमको अगले साल में इस समाज में क्या करना है एक मोटा सब्जेक्ट है इस पे आप विचार करेंगे उसके पूरा प्लान बनाएंगे उसके लिए पूरे अपने जो सुप्रा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमको चाहिए वो हम तैयार करेंगे उसके बाद उस काम को परसों करेंगे ये मोटा विचार है इसके ऊपर हम सवितर्क विचार करेंगे स्थूल सब्जेक्ट है कंक्रीट सब्जेक्ट है दूसरा केवल विचार है विचार स्वामी दयानंद कहते हैं ईश्वर की सगुण उपासना का तरीका ये है कि उसके गुणों के ऊपर आप ध्यान दीजिए मान लीजिए एक आदमी मूर्ति पूजा करता है मूर्ति पूजा करता है तो वो एक मूर्ति है सामने जैसे बुद्ध भगवान की मूर्तियाँ जो हम देखते हैं उनके चेहरे पे शांति टपकती है शांति बरसती है वहाँ से तो जो मूर्ति पे ध्यान लगाएगा वो अगर भगवान की सारी मूर्ति के ऊपर ध्यान लगाएगा तो एक जगह से दूसरी जगह दूसरी जगह से तो उसका ध्यान बटता चला जाएगा तो आप उस मूर्ति से परे चले गए और आप शांति के ऊपर टिक गए तो शांति के ऊपर अगर आप टिके हैं और मूर्ति के ऊपर आपका ध्यान है तो फिर मूर्ति की तरफ से ध्यान आपको हटाना पड़ेगा और वो शांति अपने अंदर आंख बंद करके लानी पड़ेगी